लोग मेरे मान सम्मान के योग्य है। मुझे पता नहीं मैं कैसे संबोधन करूं, क्योंकि मैं मुझे पता है मैं जिंदगी बहू हूं, लेकिन आपने बेटी से भी ज्यादा प्यार किया है मुझे, तो मैं समझती हूं कि आपकी बेटी का जो भी आप आशीर्वाद जो दे रहे हो, जो भी आप मान सम्मान दे रहे हो, उसको मैं सिर आंखों पे हमेशा रखूंगी। आपका कर्ज तो मैं नहीं चुका पाऊंगी कभी भी, जैसे एक बेटी अपने माँ बाप का कर्ज कभी चुका नहीं पाती है, तो आपका कर्ज भी मैं कभी अदा नहीं कर पाऊंगी, चाहे मैं कुछ भी कर लूं जिंदगी में। लेकिन बस एक विश्वास दिलाती हूँ आपको कि आपका मान सम्मान, आपकी इज्जत मेरी सिर आंखों पे सदा रहेगी, और उसको उसके मान सम्मान के प्रयास में आएगी। जितने इतने हमारे किसान शहीद हुए थे, किसान परिवार से मैं खुद आती हूँ, तो मुझे बहुत दुख होता है। जब भी आप सब लोग आंदोलन में बैठे थे तो बच्चे थे, समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत दुख होता था। मुझे नहीं पता मैं कितनी बार रोई होंगी आप सब की फोटोज देख के, वीडियोज देख के, कि ऐसे क्यों दुखी कर रहे हैं सभी लोग। लेकिन कभी कभी ऐसे होता कि इंसान के हाथ में कुछ होता नहीं है, बस हम बेबस लाचार महसूस कर सकते हैं। और उस टाइम पे मैं जितना कर सकती थी, जितना मैं साथ खड़ी हो सकती थी, उतना मैंने अपना बेस्ट करने का ट्राई किया। और जब हम मुसीबत में थे तो मेरा ये पूरा परिवार मेरे साथ में खड़ा था, वो मेरी ताकत था, वो हम सबकी हिम्मत था। आपका प्यार, आपका सम्मान मेरे में इतनी, मैं इतनी पावरफुल भी नहीं हूँ कि मैं कुछ बहुत बड़े वादे कर दूं आपको, बहुत बड़ी एक आशा के साथ मैं आपको वो दिलवा दूं। लेकिन मैं एक विश्वास दिलाती हूँ कि मैंने कुश्ती की हमेशा से, मैं मुझे पता है खिलाड़ी कैसे तैयार होता है, मुझे पता है कि खिलाड़ी को कितने सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं इस जींद की धरती में। मुझे पता है बहुत ताकत है, बहुत हिम्मत है, और बहुत जुझारू और बहुत लड़ाके किस्म के लोग रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ से भी वो खिलाड़ी निकले, यहाँ से वो मेडलिस्ट निकले जो ओलंपिक्स में, जिसमें मैंने कमी छोड़ती है। मैं चाहती हूँ कि मेरे आने वाले बहन भाई जितने भी हैं, उनको जो भी मेरे से मैं जितना हो सकता है, मैं एज ए खिलाड़ी मैं जो सिखा सकती हूँ, मुझे कुश्ती आती है, लेकिन खिलाड़ी के तौर पर मैं मानसिक रूप से मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ, हर एक खेल में उनको मदद कर सकती हूँ। तो आपकी जो भी आज्ञा, आपका जो भी आशीर्वाद रहेगा, मुझे नहीं पता जो भी राजनीतिक बातें कर रहे हैं, मैं बहुत दिन से मेरे पे बहुत ज्यादा प्रेशर भी है, प्रेशर भी नहीं बोलूंगी, लेकिन आपकी उम्मीदें हैं मेरे को, पर मुझे पता है कि आपकी जो उम्मीदें आशाएं हैं मेरे से बट गई हैं कि आपकी बेटी आपके लिए कुछ करे। लेकिन मैं मानती हूँ कि परमात्मा जो भी मुझे रास्ता दिखाएगा, जो भी आप जो बड़े लोग मुझे बताएंगे, तो मैं वो करूंगी। और रही एक कुश्ती करने की बात, तो वो भी मुझे पता नहीं है कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, अगर मैं करने पे आ गई तो इतना भी पता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बस आप सब लोग साथ में खड़े हो, जब मैं ओलंपिक्स में जब ये सब हो रहा था, उसके बाद में मैं बहुत दुखी थी, मैं बोल रही थी अपने आप को, ये सबको ही बोल रही थी कि मेरे से ज्यादा बड़ी किस्मत कोई नहीं है, इतना सब होने के बाद में कौन ऐसे किसके साथ में होता है, आज तक पूरे हिस्ट्री में नहीं हुआ है कि ओलंपिक्स में ऐसे किसी खिलाड़ी के साथ में जब वो फाइनल में पहुंच जाए उसके पास में मेडल नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं अपने देश में आई, आप सबका प्यार देखा, तो ये लगा कि वो मेडल तो कुछ भी नहीं था, ये जो प्यार और मान सम्मान के लिए जो हम जीतते मरते हैं, वो आपने जो मुझे दिया है, वो हर एक हिंदुस्तान में हर एक खिलाड़ी का हौसला बढ़ाएगा। क्योंकि जीतने के बारे में तो मुझे पता है कि सब लोग आपके अपने बन जाते हैं, लेकिन जब दर्द में, जब तकलीफ में कोई होता है, जब आपके साथ में जो खड़ा है वो आपका अपना असली होता है। और मुझे पहचान हो गई है कि मेरे अपने कौन है, इसलिए आज मैं कंडेला की इस धरती पे आई हूँ, अखंड टोल पे आई हूँ। और जितने, क्योंकि जब हम आंदोलन कर रहे थे तो यहाँ से जो आंदोलन की जो एक ताकत, जो शक्ति में महसूस हो रही थी लास्ट, ये जब ये आंदोलन के टाइम पे भी जब हम आए थे, तो आप सबकी जो भावनाएं थी, आपका जो हमारे साथ में समर्थन था, वो देख के हमें जोश मिला था कि नहीं, लड़ाई जारी रखनी है और लड़ाई को आगे बढ़ाना है और अंत तक लेके जाना है। तो आप सबके सहयोग से ये लड़ाई आज भी चल रही है और अभी खत्म नहीं हुई है, ऐसे मत मानना आप खत्म हो गई है, वो लड़ाई चल रही है और जब तक चलती रहेगी, जब तक हमारे अंदर जान है, जब तक हम अपनी बहनों के लिए लड़ते रहेंगे, मान सम्मान की लड़ाई हम ऐसे ही जारी रखेंगे। जितना भी आपने मान सम्मान दिया है उसका मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जितना भी आपने मान सम्मान दिया है, वो मान सम्मान आपका आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ा है, उससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। उसी के लिए हम खिलाड़ी जीतते हैं और मरते हैं। जब आपका हाथ हमारे सिर के ऊपर टिका, आप जब टिका देते हो, तब हमें लगता है कि इससे ज्यादा ताकतवर चीज कोई नहीं है। हम कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी कर ले, ये आशीर्वाद के बिना हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं। ये मैंने महसूस भी किया है और ये हमेशा से मैं बोलती भी आई हूँ। जितने भी जूनियर बच्चे हैं वो मेरे से पूछते हैं कि ट्रेनिंग करें, बोलती हूँ कि अपने तो आप लोगों का आशीर्वाद ले सकते हो,
इससे बड़ी मेहनत ताकत किसी बस आप सबने मान मैं चाहती खड़खड़ ऊपर वो आप सामने आप अर्पित करके जाते जो हमारे परिवार लोग शहीद हो आंदोलन में आप जितने आप कंट्रीब्यूशन दे सकते वह मोदी की कोशिश करो मेरी तरफ से श्रद्धा मैं नहीं आप उसका मुझे किए लेकिन मैं आपके लिए लड़ रही थी मैंने जब नेक्स्ट टाइम कुछ किया हो मैं जरूर आऊंगी आप सबने मुझे आने का सम्मान को इतना दिया है कि प्राउड से ज्यादा भाग हिंदुस्तान में तो कोई तो आप सबको